TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। एक और बायां हाथ का गेंदबाज, एक रन मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलकर बनाया नीरज ने। उनके निजी स्कोर में एक रन की बढ़ोतरी हुई, वे पहुंचे 2/5 गेंदें उन्होंने खेली हैं। एक और विकेट गिरता हुआ, आधी टीम आउट हुई 42 की रन संख्या पर। और जो पांचवें गेंदबाज है साजिद, उन्होंने भी अपने नाम पर विकेट अंकित कर लिया है। आईसीसी भोपाल 42 फोटू हैं, बैटिंग के लिए आए हैं। और आते से ही पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला और साजिद निरंतर विकेट लेते हुए। निक्कू ने एक और अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पर, फ्लैट शॉट था, ज्यादा ऊंचाई। बढ़िया बॉलिंग, स्टंप के बगल से गुजरती हुई बॉल, फ्लिक करने का प्रयास बल्लेबाज नीरज का। 43/6 कर लिया है डीसीसी डबराल की टीम ने। और यहां हवाई फायर, निक्कू क्या तीसरा कैच पकड़ेंगे या नहीं? मिड ऑफ के फील्डर आए, उन्होंने बिल्कुल बैक टू द बॉलर कैच को लपका, सातवां झटका आईसीसी भोपाल को 43 की रन संख्या पर। अपना ओवर पूरा किया, एक ओवर की बॉलिंग कोई मेडल नहीं, 2 रन देकर 3 विकेट उन्होंने चटकाए। और अब 54 रन 8 विकेट, 7वां ओवर। रिवर्स हिट की कोशिश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ थ्रो, एक रन के लिए दौड़ लगाई गई। अंतिम ओवर कर रहे हैं साजिद, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में कुल 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। फिर से शॉट, इस बार इनसाइड आउट, कवर्स का फील्डर गेंद के नीचे, 9वां बल्लेबाज खोया आईसीसी भोपाल ने। स्कोर है उनका 65 रन। और दूसरे बल्लेबाज हैं अपनी टीम के जिन्होंने डबल फिगर में प्रवेश किया, उसके पहले 23 रन बनाए थे ओपनर बैट्समैन चिंटू जोशी ने 10 गेंदों पर, और बासित खान ने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का लगाया। और यहां अपने विकेटों की संख्या में इजाफा किया साजिद ने, 14 रन देकर 4 विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए हैं। क्या 5वां विकेट भी उनके नाम पर आएगा? अंतिम बॉल इस मैच की, साजिद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, कोई रन नहीं, और इस प्रकार यह मुकाबला संपन्न हुआ। 65 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर।